नमस्कार, आज हम आपको दशहरा त्योहार से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू करवाएंगे। दशहरा का त्योहार भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को विजयादशमी के नाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा करने के पश्चात दशमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रावण का पुतला पूरे देश भर में जलाया जाता है। बरसों पहले इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से छुड़ाया था और सारे समाज को रावण के भय से मुक्त किया था। रावण को मारने से पूर्व भगवान राम ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का वरदान दिया था। रावण दहन आज भी बहुत धूमधाम से किया जाता है। इसके साथ ही आतिशबाजियां छोड़ी जाती है। देश के करीब सभी छोटे बड़े शहरों में नवरात्रि के प्रथम दिन से मेले लगने शुरू हो जाते हैं, जो 10 दिन तक बड़े जोरों शोरों के साथ चलते हैं और दशहरा के दिन रावण को जलाने के पूर्व तक रहते हैं। भारत के सभी स्थानों में इसे अलग अलग रूप से मनाया जाता है। कहीं यह दुर्गा विजय का प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है, तो कहीं नवरात्रों के रूप में बच्चे और बड़े उत्साह के साथ रावण दहन देखने जाते हैं और मेलों में बहुत आनंद उठाते हैं। इन दिनों गांव एवं शहरों में रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। यूं तो देश के हर शहर का मेला देखने लायक होता है, पर मैसूर और कोटा का दशहरा देश भर में विख्यात है। कोटा में दशहरे के समय पूरे शहर की गलियों को रोशनी से सज्जित किया जाता है और मैसूर में हाथियों को श्रृंगार कर पूरे शहर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। नवरात्रि से दशहरा और दशहरे से दिवाली तक पूरे देश में सबसे ज्यादा उमंग और उत्साह देखने मिलता है। वैसे तो सब जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान और वीर व्यक्ति था, परंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। अहंकार ना रखना और बुराई पे अच्छाई की जीत, ये सिख सभी को देने के लिए ही हम सभी ये त्योहार मनाते हैं। दशहरा त्योहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।